के वार पर भी आपस में भिड़ते हुए नजर आए नेहा भसीन और प्रतीक सहजपाल। आखिरकार क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं। वेल गाइस, आपको बता दूं कि वीकेंड के वार पर भी नेहा भसीन और प्रतीक सहजपाल के बीच हमें दूरियां देखने को मिल रही है। जहां एक और अगर बात करें तो वह घर के अंदर आए हैं कई सारे गेस्ट सेलिब्रिटीज, जिनमें अभिमन्यु दसानी और सना मल्होत्रा अपनी फिल्म के प्रमोशंस के लिए पहुंचे थे, तो वहीं एक जबरदस्त टास्क लेकर भी घर के अंदर आए थे। ऐसे में वेल टास्क में बेसिकली ये बताना था कि कौन सा कंटेस्टेंट किस कंटेस्टेंट से 6000 फीट की दूरी बनाना चाहता है। इस खबर पर अब आपको बता दूं कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये थी कि जब प्रतीक सहजपाल से ये सवाल किया गया तो प्रतीक ने साफ तौर पर नाम ले लिया नेहा भसीन का। वेल, डे वन से हमने देखा है नेहा भसीन की जब से बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री हुई है तब से लेकर अब तक नेहा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रही है प्रतीक सहजपाल से। और एक बार फिर इस टास्क के दौरान ने भी प्रतीक ने साफ तौर पर यह कह दिया कि नेहा भसीन की इन हरकतों ने मुझे काफी हर्ट किया है, जिसकी वजह से मैं उनसे 6000 फीट की दूरी बनाना पसंद करूंगा। वह इसी बात पर नेहा भसीन भी भड़क उठती हैं और वो कहती हैं कि तुम बाकी दुश्मनों को छोड़कर मुझसे दुश्मनी क्यों कर रहे हो। तो वैसे में इन दोनों के बीच की नोकझोंक हमें एक बार फिर देखने को मिली है। अब तक हमने नेहा भसीन और प्रतीक सहजपाल को बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक अंदाज में, वो भी एक स्पेशल बॉन्डिंग शेयर करते हुए देखा था, लेकिन बिग बॉस सीजन 15 में जस्ट ऑपोजिट अंदाज में नज़र आ रहे हैं। सो वेल, क्या कहना चाहेंगे आप नेहा भसीन और प्रतीक सहजपाल के इस तीखे रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं अब तक इन दोनों के बीच तो हैं दूरियां। क्या लगता है कि इनकी नज़दीकियां बढ़ पाएंगी या फिर ये दूरियां ही दुश्मनी का रूप ले लेगी? क्या लगता है आपको, आप ज़रूर बताएं नेहा भसीन और प्रतीक सहजपाल के बीच इस डिस्टेंस को लेकर। कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शंस ज़रूर शेयर करें। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।